भारत जंक्शन चैनल। आज हम करने वाले थे न्यूमेरिकल्स ऑफ सॉलिड स्टेट और थोड़े बहुत जो हमारे टॉपिक्स बच गए तो वो हम कवर करेंगे इस वीडियो में। देखना है हमारे क्वेश्चन। अभी पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला कौन कौन से आपको यूज़ करना है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, दैट इज़ एक जो हमने डिराइव किया था, डेंसिटी इज इक्वल टू एन इंटू कैपिटल एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यू। ठीक है, यही बस फॉर्मूला आपको यूज़ करना है इस चैप्टर में बेसिकली टू सॉल्व द क्वेश्चंस। और दूसरे भी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड और वाले जो प्रॉब्लम्स रहेंगे उसके लिए भी आपको एक छोटा सा ट्रिक चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन हमारा ऊपर आएगा, आप पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को क्या है। फिर दूसरा, अभी क्वेश्चन के हिसाब से वी हैव टू फाइंड व्हाट मोलार मास ऑफ सिल्वर। ठीक है, तो अब आपको क्या क्या दे रखा है हम पहले लिखते हैं उसे। ठीक है, एज लेंथ दी है आपको, एज लेंथ दैट इज बीन गिवन, कितना दिया है 4.07 × 10⁻¹⁸। ठीक है, किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। डेंसिटी ऑफ सिल्वर, डेंसिटी ऑफ सिल्वर, ठीक है, ये दिया है 10.5 g/cm³ में दिया है ये डेंसिटी ऑफ सिल्वर। ठीक है, अभी आपको क्या निकलना है, अभी फंसिंस, हाँ अभी एफ सी सी है। ठीक है, एफ सी सी है तो देखो एन इज इक्वल टू 4, याद है ना, ये हमने देखा है पहले वीडियोस में, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। ठीक है, एन इक्वल टू 4, टू फाइंड हमको है, टू फाइंड एम। ठीक है, तो वी नो दैट डी इज इक्वल टू एन इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यू। ठीक है, तो यही फॉर्मूला में आपको पुट करना है। डी आपके पास है 4.07 × 10⁻¹⁸, यही आपका डी है, एज लेंथ बोलते हैं इसको। ठीक है, एन इज इक्वल टू 4 क्योंकि एफ सी सी है, इंटू एम आपको फाइंड करना है, एन ए, एन ए आपको पता रहता है 6.022 × 10⁻²³, इंटू 4.07 ए क्यूब है आपका। ठीक है, तो ए आपका क्या है यहाँ पे 4.07 × 10⁻¹⁸, तो इसका क्यूब पूरे का, तो इसका क्यूब कर लो इंटू 10⁻¹⁸ का क्यूब अगेन। ठीक है, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, इससे आपको मोलार मास समवॉट कम्स टू 107.8, ठीक है, ग्राम्स, तो दिस वुड बी योर मोलार मास। ठीक है, तो आप इसको एक बार सॉल्व करके देखना क्योंकि आपको एग्जाम में कैलसे तो रहेगा नहीं। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं आप इसे देख लीजिए, लॉग का भी ज़रूरत पड़ेगा। अगर इफ़ यू डोंट नो हाउ टू सॉल्व लॉग, ठीक है, तो आई हैव पुट अ वीडियो ऑफ लॉग ऑल्सो, तो आप देख लीजिए चैनल में, तो आपको वीडियो मिल जाएगा और मैं लिंक भी डाल दूंगा वीडियो का। ठीक है, हम देखेंगे बॉन्ड थ्योरी क्या होती है, नेक्स्ट टॉपिक इज बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपने 11th में थोड़ा भी ध्यान दिया रहेगा तो यू वुड बी नोइंग कि जैसे कि अगर एम जी है, ठीक है, इसका नंबर है 12। ठीक है, तो इसको हम ऑर्बिटल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है, अगर आपने ध्यान दिया रहेगा तो आपको आता रहेगा, इट्स लाइक 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p0, 3d10। मैंने ये कंप्लीट कर दिया, यहीं तक रहेगा, देख लीजिए 12 हुआ ना, 6 2 2 2, 12 हो गया। ठीक है, तो दिस वुड बी एम्प्टी शेल्स। ओके, तो थ्री ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिटल आपका फॉर्म होता है। ठीक है, इसके आगे 4-5 तक जाता है शेल्स, सब शेल्स जो आपके होंगे। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, दिस इज़ आवर वैलेंस शेल। ठीक है, जैसे वैलेंस ऑर्बिट, वैलेंस ऑर्बिटल वो सब बोलते हैं, दिस इज़ अ वैलेंस शेल। ठीक है, अभी इसमें क्या होता है आपका कि वैलेंस शेल, कंडक्शन बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड, ये तीन तरह की चीज़ें होती है। ठीक है, कौन सी तीन, ये देखिए, अगर मैं ऐसे बनाता हूँ ग्राफिकल वाइज तो इट्स लाइक दिस, एक ये, दो, तीन, चार। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि दिस इज़ द वैलेंस बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड है। ठीक है, अभी क्या होता है, यहाँ पर है 1s2, ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6। ठीक है, अभी इसके ऊपर, ठीक है, ये पीक्स के ऊपर है योर कंडक्शन बॉन्ड या कंडक्शन बैंड बोलिए। ठीक है, और इसके ऊपर आता है वैलेंस शेल्स। ठीक है, इफ़ योर इलेक्ट्रॉन्स जंप्स, ठीक है, टू हायर ऑर्बिटल्स,
तो वो आपके बॉन्डिंग एनर्जी के बाहर जाएगा। मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के वजह से ही देर इज फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट मूविंग देर इज नो कंडक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स मूव करते तभी आपके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस टॉपिक बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। अगर हम कोई भी अभी देखिए आप फिजिक्स में देखेंगे थ्री टाइप्स ऑफ आपके चीज़ें होती है, दैट इज कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, ये सब। तो उसमें होते हैं एक होते हैं मेटल्स, ठीक है, मेटल्स होते हैं, दूसरे होते हैं इंसुलेटर्स, ठीक है, और तीसरे होते हैं आपके सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है कि वाई दीज डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे पार्शली कंडक्ट एंड दे आर रेडिली कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। उसका रीजन ये होता है कि मेटल्स हैव अ वेरी फाइन डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस बॉन्ड, वेर एज इंसुलेटर्स में ये जो डिफरेंस होता है इट्स ह्यूज, ठीक है। तो अब क्या होता है, वैलेंस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स है दे कैन नॉट जम्प थ्रू द कंडक्शन, ये जो आपका ये बॉर्डर्स होते हैं ना, ये जो गैप है ये इतना ज़्यादा होता है कि ये यहाँ से जंप नहीं कर पाते। मतलब उसको इतनी एनर्जी नहीं मिलती कि वो जंप करके वैलेंस शेल के थ्रू कंडक्शन बॉन्ड में जाए, ठीक है। इसलिए ये इंसुलेटर्स कहलाते हैं। एंड देर इज नो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस शेल, ठीक है। फिर होते हैं सेमी कंडक्टर्स, इसमें जो बीच का लाइन रहता है ये काफ़ी पतली रहती है लाइन, ठीक है, मोर देन द मेटल्स एंड लीस देन द इंसुलेटर्स। इसलिए कुछ करते हैं कुछ नहीं करते, अच्छा अमाउंट ऑफ एनर्जी दे देंगे तो ये कंडक्ट कर देंगे, नहीं देंगे तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये होते हैं मेटल्स, सेमी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ठीक है। अभी इंसुलेटर्स में भी टाइप्स होते हैं। अभी इंसुलेटर्स में क्या टाइप्स होते हैं देखिए, इंसुलेटर्स को क्या बोलते हैं आप, नहीं सेमी कंडक्टर्स में टाइप होते हैं। सेमी कंडक्टर्स में आप दो तरह के पढ़ेंगे, ये 15th वाले होते हैं, 15th ग्रुप है आपका, और एक होता है आपका 13th ग्रुप ग्रुप वाले, ठीक है। 15th ग्रुप वालों को बोलते हैं पी टाइप, ठीक है। 13th ग्रुप वालों को बोलते हैं पी टाइप नहीं, एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले लीजिए फास्फोरस, ठीक है, 15th वाले में, और इसमें ले लीजिए एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, ठीक है। फिर अभी इसमें ही एल्यूमिनियम, अभी इसमें ही आपका, इसमें क्या होता है 15th वाले में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहता है इनके पास, और जो 13th वाले होते हैं वन इलेक्ट्रॉन शॉर्ट होता है उनके पास, एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है। ये आपको बस एक मैं लिखा दे रहा हूँ, ये आप लिख लीजिए फॉर योर रेफरेंस, असल में हम अभी देखेंगे। इनको बोलते हैं एन टाइप, इनको बोलते हैं पी टाइप, ठीक है। अभी हम देखेंगे वॉट आर एन टाइप एंड वॉट आर पी टाइप सेमी कंडक्टर्स, ठीक है। तो ये एक मैं डिफरेंस बिटवीन लिखा रहा हूँ, तो आप लिख लीजिए डिफरेंस बिटवीन, अच्छा रहेगा आपको पढ़ने के लिए, गो थ्रू करने के लिए अच्छा पड़ेगा। तो ये है आपका डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप, एन पी टाइप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच, और इनको क्या बोलते हैं, डोनर्स भी बोलते हैं इनको, ठीक है। इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है, और एक्सेप्टर्स, ठीक है। फिर ये होते हैं नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट, फॉर कंडक्शन, ठीक है। इसमें नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन, इसमें पॉजिटिव चार्ज होल्स, HOLES होल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन, आर रिस्पॉन्सिबल, सेम इसके साथ, ठीक है। फिर अब इधर ये होते हैं 15th ग्रुप वाले, जैसे कि ऊपर लिखा है 15th ग्रुप वाले, ठीक है। एग्जाम्पल 15th ग्रुप एलिमेंट्स आर एडेड, 15th ग्रुप एलिमेंट्स आर व्हाट, एडेड, ठीक है, और डोप्ड, डोपिंग बोलते हैं इसको, डोप्ड मतलब उसमें बम्बार्ड कर, मतलब कि उसमें डाले जाते हैं। अभी हम आगे देखेंगे क्या होता है ये, ठीक है। डोप, एग्जाम्पल कौन से, पी एस बी बी आई
ये सब एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें क्या है, 13th ग्रुप एलिमेंट्स आर एडेड, ठीक है। इसमें 13th ग्रुप, इसमें 15th ग्रुप, एग्जांपल बी एल, ठीक है, एक्सेट्रा। फिर इसमें आपको मिलता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, इसमें वन इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज हो जाता है, ठीक है, समझा। अभी कैसा है, इसका एक डायग्राम रहता है, ये कैसा रहता है ये देख लीजिए, ऐसा रहता है, बीच में आपका एलिमेंट रहेगा और आजू बाजू जिनसे डोपिंग होने वाला है वो रहेंगे, ऐसा है। बीच में आपका ये आपका जो एन टाइप वाले सेमीकंडक्टर है वो रहेंगे, और आजू बाजू में आपका ऐसा है जैसे मैंने डाल दिया। तो अभी क्या होगा, फॉस्फरस का, फॉस्फरस में कितना रहता है, 15 रहता है, 15 ग्रुप वाला है, आउटर शेल में 5 रहेंगे इसके, ठीक है। ऐसा इसको एक एक देगा, 14th वाला रहेगा ये, ठीक है, 14th ग्रुप वाला रहेगा, ऐसा इसको एक एक देगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसका एक्स्ट्रा आ गया, एक इधर से मिला, एक इधर से मिला, एक इधर से मिला, ये तो एक्स्ट्रा बच गया, इसलिए बोलते हैं इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए, ठीक है। इसका आपको पीरियडिक टेबल में देखो, इसके नंबर्स देखो, एटॉमिक नंबर्स क्या है, और उसके हिसाब से देखो कि कैसे इसमें डाल रहे हैं हम इसको इलेक्ट्रॉन्स को, इसमें कितनी शॉर्टेज थी, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पर भी एक है आपका इंडियम रहेगा, उसमें जी जर्मेनियम डाल रहे हैं, जी या एरो नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आप मेरे को बताना क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स का 3 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन्स का शॉर्टेज होता है, ठीक है। तो आप लोग ये खुद बताओ क्या होता है, ये कमेंट करो, बताओ क्या होता है, और नहीं समझेगा तो फिर उसके लिए भी कमेंट करो, ठीक है। तो एक शॉर्ट बता देता हूँ आपको कि मैं मतलब केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स कराने वाला हूँ, तो इफ़ यू हैव एनी डाउट और समथिंग, यू हैव माई व्हाट्सएप नंबर, आगे के जो भी चैप्टर्स है अगर उनका आपको अपडेट नहीं मिल रहा है तो कॉल मैसेज ऑन द व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। तो अभी हम देख रहे थे बॉन्ड एनर्जी, अब बॉन्ड एनर्जी में हमको एक और चीज़ देखनी है, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ अभी अपने को देखनी है, तो अभी ये तीन तरह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ अपने को जनरली देखनी पड़ेगी, कि ये 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है। तो फर्स्ट इज़ व्हाट अपना डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ठीक है। अब डायमैग्नेटिक क्या होता है, ऑर्बिटल फॉर्म में लिख बना रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। ये आपका 3s और 3p ऑर्बिटल मैंने बनाया है, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स अरेंज है अप एंड डाउन क्लॉक एंड एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है। तो ये आपके कितने हो गए, 6 हो गए पूरे, मतलब इसमें स्पेस नहीं बचाना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन आएंगे नहीं, देयर फोर डायमैग्नेटिक आपके जो एलिमेंट्स होते हैं या जो मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, दे आर रिपेल्ड इन मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, रिपेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, अट्रैक्ट तब होते हैं एलिमेंट्स या ये आपके मटेरियल्स व्हेन उनके पास कोई चीज़ का कमी है एंड दे वांट इट फ्रॉम समवन एल्स, लेकिन इनके पास सब इलेक्ट्रॉन्स है इसलिए नहीं होंगे, ठीक है। सेकंड इज पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक में देख लीजिए वापस वही, ठीक है। अभी इसमें कैसा, 1 2 1 2, ये आपको भरना तो आता रहेगा क्योंकि हमने ये सब देखा है पहले से ही आपके 11th में, ठीक है। चलिए ऐसा देख लीजिए, या एक भी रख सकते हैं जैसा भी चलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका, कि दे आर वीकली अट्रैक्टेड, वीकली अट्रैक्टेड, इतना ज़्यादा नहीं बट वीक अट्रैक्शन होता है, इनको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से लेंगे, तो दे हैव टू गेट अट्रैक्टेड टू सम अदर एलिमेंट, तो उधर से उनके पास इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। थर्ड एंड लास्ट वन इज फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, फेरो, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ये आपका शेल बन गया, ऑर्बिटल्स बन गया, ये 1 2 3, चलिए एक और बना 4, तो इनके पास तो सब आधे हाफ फील्ड होते हैं ये, ठीक है। डायमैग्नेटिक का फुल फील्ड, इनमें लास्ट के बाकी रह जाते हैं, इनमें सबके सब हाफ फील्ड होते हैं, ठीक है। आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ इधर से, कि दीज आर कॉल्ड स्टेबल, ठीक है, ये स्टेबल होते हैं, दीज आर ऑल्सो स्टेबल, ठीक है। ये स्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि 8 के 8 भरे हैं, ठीक है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपके 6 के 6 भरे हैं इधर
ठीक है, तो ऑक्सीजन का ही समझ लो अगर, ठीक है, इफ और दो इलेक्ट्रॉन्स में उसको देता हो तो दे इट गोज ऑन टू द आइसोलेटेड गैशियस स्पीसीज, ठीक है, तो दे आर हाईली स्टेबल, तो इसलिए ये स्टेबल हो जाते हैं। हाफ फील्ड भी स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है, बोथ आर स्टेबल। अभी हाँ, तो फेरोमैग्नेटिक इनका क्या रहता है, दे फॉर्म परमानेंट मैग्नेटिक और अट्रैक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड, दीज आर ऑल्सो अट्रैक्टेड, ठीक है, और परमानेंट मैग्नेट्स जो बनते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स दे आर ऑल्सो मेड बाय देम ओनली, फेरोमैग्नेटिज्म से, ठीक है। तो ये हमारा रेस्टार्ट थ्योरी जो कंप्लीट नहीं था अब तक, वो हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। अभी इसमें सिर्फ एक टाइप का एक थ्योरी टाइप बचता है, तो हम लोग क्लियर अभी नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में अभी हम वीडियो के देखेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड अगर आपको कुछ सजेशन